चैप्टर कैसे डिवाइडेड है, एक क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज फॉर द रूरल पीपल, एक डाइवर्सिफिकेशन और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो पहले फोकस करेंगे क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज फॉर द रूरल पीपल, उसमें पहले फोकस करेंगे क्रेडिट, रूरल क्रेडिट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिव इन रूरल एरियाज, मेजॉरिटी ऑफ द पुअर पीपल लिव इन रूरल एरियाज। रूरल डेवलपमेंट करनी है तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में था क्रेडिट फैसिलिटीज इंप्रूव करना, प्रोसेस का ही पार्ट है ये, याद है ना, प्रोसेस में डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें था ना क्रेडिट, तो इस पे फोकस था। इसमें बस ये दो है हमारे मेन कंटेंट्स, क्रेडिट और मार्केटिंग, करा बाकी संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप इन दोनों पे फोकस करो। रूरल क्रेडिट, ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। कह रहे पैसे नहीं है उनके पास, पैसे दोगे तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी एलिविएशन, सर पॉवर्टी एलिविएशन तो फिर तो वो हम पे डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, पैसे ही देते रहेंगे। हम पैसे दे रहे हैं काम करने के लिए, हम कौन है, गवर्नमेंट, हम पैसे दे रहे हैं काम करने के लिए, तो काम करेंगे, आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकम जनरेट होगी, तो पॉवर्टी एलिविएशन भी हो जाएगी। तो काम करने के लिए पैसे दे रहे हैं हम, कोई खाने के लिए पैसे नहीं दे रहे, नो, हम काम करने के लिए पैसे दे रहे। इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो बिजनेस काम करने के लिए पैसे दे रहे हैं, टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो सिर्फ एग्रीकल्चरल के लिए नहीं, नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए भी पैसे दे रहे हैं आपको, काम करें आप। इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड फॉर क्रेडिट ड्यू टू लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। क्रॉप सोइंग और हार्वेस्टिंग में टाइम गैप होता है, तो तब तक जो जो पैसा था वो तो सारा इन्वेस्ट हो चुका है, फसल उगेगी, कटेगी, बिकेगी, तब पैसा आएगा फार्मर्स के पास, तब तक कैसे सरवाइव करेंगे। जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो रिच फार्मर्स हैं, वो तो कर लेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर नॉट इन्फ्लुएंशियल, दे डू नॉट हैव सफिशियंट इनकम टू सर्वाइव, तो दे आर फोर्स टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और क्या कंडीशन, कि जो भी सामान बिक के पैसा आएगा सारा तुम्हें देना पड़ जाएगा, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, एक्सप्लॉयटेशन है। तो कह रहे फार्मर्स को तो बहुत जरूरत है पैसों की, क्योंकि दुकान होती है ना, रोज सामान बिक रहा है, रोज पैसा आ रहा है, कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ मनी है, इनका पैसा ब्लॉक हो जाता है कुछ मंथ्स के लिए, फिर एकदम से आएगा अगर फेवरेबल हुआ तो, बट कुछ महीने तो ब्लॉक्ड है सारा का सारा पैसा, तो दे नीड मनी बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू मीट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड अदर फैमिली एक्सपेंसेस लाइक मैरिज, डेथ, रिलीजियस सेरेमनीज। सो क्रेडिट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एन एफिशियंट एंड इफेक्टिव रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इज क्रूशल फॉर रेजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स। तो कह रहे क्या किया जाए, कह रहे पैसे दिए जाए, तो 2000 का नोट है। नीड फॉर रूरल क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस, कह रहे कैसे डिसाइड किया जाए कि कैसे क्या कितना क्रेडिट, कह रहे ऑन द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स कैन बी एग्जामिन फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स, कह रहे एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एक ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कह रहे मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कह रहे कितने टाइम के लिए आपको पैसा चाहिए, कह रहे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म, इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस, इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस, तो इंटर रिलेटेड है टाइम और पर्पस। शॉर्ट टर्म चाहिए तो फॉर अ पीरियड लेस देन 15 मंथ्स इज टर्म्ड एज अ शॉर्ट टर्म लोन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। टू मीट शॉर्ट टर्म नीड्स, अब देखो ना आ गया ना शॉर्ट टर्म में, कौन से टाइप के लोन शॉर्ट टर्म होंगे, द लोन इज टेकन टू परचेज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेइंग वेजेस टू द हायर्ड वर्कर्स, सच लोन्स कैन बी रीपेड आउट ऑफ करेंट इनकम ऑफ फार्मर्स। ज्यादा अमाउंट नहीं होता, ज्यादा अमाउंट नहीं होता, शॉर्ट टर्म लोन्स,
ज्यादा पैसे नहीं हो, मतलब जिसे कहते हैं ना अमाउंट का मतलब क्वांटम ऑफ कैपिटल भी ज्यादा नहीं हो। शॉर्ट टर्म लोन्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए, पीरियड पता होना चाहिए अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो, शॉर्ट टर्म टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, उसमें डेफिनेशन में पर्पस नहीं आएगा, बी केयरफुल। वो एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा कि शॉर्ट टर्म लोन्स चाहिए किस पर्पस के लिए होते हैं, बट व्हेन यू आर डिफाइनिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट, इट रेफर्स टू द क्रेडिट टेकन फॉर अ पीरियड लेस देन 15 मंथ्स टू मीट शॉर्ट टर्म नीड्स, मीडियम 15 मंथ्स टू 5 ईयर्स। ये किसके लिए चाहिए? परचेजिंग कैटल, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स, ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हो गई। अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक एक्सपेंडिचर ऑन मैरिज, सोशल एंड रिलीजियस फंक्शंस, तो ये होते हैं मीडियम टर्म क्रेडिट। 15 मंथ्स टू 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म, इट रेफर्स टू क्रेडिट टेकन टू मीट लॉन्ग टर्म नीड्स मोर देन 5 ईयर्स, 15 से 20 साल, तो नॉर्मली तो लैंड के लिए होता है। मेकिंग परमानेंट इंप्रूवमेंट इन लैंड, डिगिंग ट्यूबवेल्स, परचेज ऑफ लार्जर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर खरीदना है, रीपेमेंट ऑफ ओल्ड डेट्स। क्या कर रहे हैं? नीड फॉर रूरल क्रेडिट, तो क्रेडिट नीड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, कैन बी स्टडीड फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स, एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, शॉर्ट टर्म अप टू 15 मंथ्स के लिए लोन ले रहे हैं, मीडियम टर्म 15 मंथ्स टू 5 ईयर्स, लॉन्ग टर्म मोर देन 5 ईयर्स, 15 टू 20 ईयर्स, मोर देन 5, लेस देन 20, अप टू 20, मतलब 5 के ऊपर सारे, 20 साल के ऊपर कौन लोन दे रहा है, जो ना 50 साल का लोन दे दो, मैं अगले जन्म में पे करूंगा। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, एक होता है प्रोडक्टिव पर्पस, एक होता है अनप्रोडक्टिव पर्पस। प्रोडक्टिव पर्पस मतलब आप काम के लिए ले रहे हैं, फार्मिंग के लिए ले रहे हैं और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, बट अभी बात हो रही है रूरल क्रेडिट की, तो ज्यादातर हम किस पे फोकस कर रहे हैं? फार्मर्स पे। प्रोडक्टिव लोन्स रेफर टू द लोन्स विच हेल्प द फार्मर्स इन रेजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। किस पर्पस के लिए लिया? प्रोडक्टिव पर्पस, फार्मिंग पे पैसा लगाना है, चाहे वो सीड्स के लिए हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स के लिए हो, चाहे वो लेबर की सैलरी देने के लिए हो, चाहे वो लैंड को इम्प्रूव करने के लिए हो, बस फार्मिंग से रिलेटेड जो जो है वो सब प्रोडक्टिव लोन्स। अनप्रोडक्टिव लोन्स क्या हुए? लोन फॉर मैरिज, फंक्शंस, सेरेमनीज, वो सब हो गए अनप्रोडक्टिव लोन्स विच डू नॉट हेल्प रेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। रिलीजियस सेरेमनीज, मैरिज, सपोर्टिंग फैमिली इन टाइम्स ऑफ क्रॉप फेलियर, सेटलिंग ओल्ड डेट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगराइजेशन ऑफ रूरल क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड पर्पस, थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट।